आज का हमारा टॉपिक है रैशनलाइजिंग रियल नंबर्स। इस टॉपिक में हम इस टाइप के रियल नंबर्स की रैशनलाइजेशन को समझेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल वन को कंसीडर करते हैं। एग्जांपल वन में हमें ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है। इस एक्सप्रेशन को इसके डिनोमिनेटर के साथ एज ए न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लीकेशन के नतीजे में हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। 49 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 29 हासिल होगा। 29 को 58 के साथ कैंसिल किया जाएगा, जिससे हमें एग्जाम्पल 1 का आंसर ये हासिल होगा। अब हम एग्जाम्पल 2 को कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें कहा गया है कि रैशनल नंबर एक्स और वाई को फाइंड कीजिए, जबकि हमें ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है। इस एग्जाम्पल में हम इस एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को एज ए न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन के नतीजे में हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। जब हम 16 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इस स्टेप में हम -29 को 61 के नीचे भी लिखेंगे और 24 इंटू अंडर रूट 5 के नीचे भी अलहदा लिखा जाएगा। ये एक्सप्रेशन हम कंसिडर करते हैं कि x प्लस वाई इंटू अंडर रूट 5 के बराबर है, जिससे हमें x की वैल्यू -61 ओवर 29 हासिल होगी और y की वैल्यू हमें -24 ओवर 29 हासिल होगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।